हाँ जाती पैसा वैसे तो 600 ही आ रही है। हाँ हाँ अब कहते 2000 दे जी। हाँ 2000 दे तो हम उन्हें जीता आऊब तभी तो ऋतिक पाठक के तो कुछ भव नहीं हो जलाल अब का कही हुआ तो पाई थे जौन पौती है तो ना हम पाए थे निराशि 600 रुपया बेटा वाह हो गया मोदी सरकार मालिक आए तो नहीं करना देव नहीं उम्मीद के हैं मोदी हमको जी आए हैं गल्ला हम पचे पाए थे अब कुछ हाँ पचंग बढ़ाई ले अब करी तो बाले की जीत आई हर आई अब कहा कही महिलाएं सब दुखी नहीं मामा जी चले गए ना कहा कहने वाले की है कि सरकार जो चलाई तो चलाई सब जनता चलाई तो हाँ पचे चलाओ सरकार हाँ पचे का 600 से बढ़ा दे कांग्रेस से करना दे हम नहीं करते बीजेपी का। हाँ आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार मैं हूं अनुपम अनूप आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम सीधी लोकसभा सीट में और जब सीधी लोकसभा सीट की बात आती है तो पिछले कुछ समय से या फिर कहें विधानसभा चुनाव से यहां पर अप्रत्याशित फैसले होते रहे हैं। विधानसभा चुनावों में यहां के मौजूदा विधायक केदार नाथ शुक्ला का टिकट काट करके मौजूदा सांसद रीति पाठक को टिकट दिया गया था जिसके बाद रीति पाठक को विधानसभा पहुंचा दिया है सीधी की जनता ने और अब लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से यहां पर डॉक्टर राजेश मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। वही बात करें कांग्रेस के पाले की तो कांग्रेस से यहां पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल जो पूर्व कमलनाथ सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे वो सिहावल विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए जहां उन्हें विश्वामित्र पाठक जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें जीत मिली थी। और अब लोकसभा सीट में पिछले जो कैंडिडेट थे अजय सिंह राहुल भैया वो इस बार विधायक हैं और इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके कमलेश्वर पटेल को लोकसभा कैंडिडेट कांग्रेस ने यहां से बनाया है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की मौजूदा हालत यहां पर क्या है? शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल के कामकाज मौजूदा मोहन यादव के कार्यकाल और मौजूदा मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के यहां के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से लोगों का कार्यकाल किस तरीके से यहाँ के विधायक और सांसद का कार्यकाल इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों की नैया पार लगाने वाला है इस चीज़ की बातचीत हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस हम चर्चा की। चाय से चर्चा शुरू कर रहे हैं। चाय पर देश में बहुत सारी चर्चा हो चुकी और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे हम सीधी लोकसभा सीट के रुख के बारे में बात करेंगे। यहाँ कैसा चुनावी माहौल है और किसे जीत मिलती हुई दिखाई दे रही तथा किसकी हार हो सकती है इन सारे मुद्दों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर और भैया आपसे ही हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। बबलू कुमार वर्मा। बबलू अब श्री लगता है मतलब जी। तो ये बताइए कि सीधी में जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं ये सीधी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मौजूदा सांसद कहें या मौजूदा विधायक रीति पाठक यहाँ से चुनाव जीत करके चुनी गई हैं। इस बार लोकसभा सीट के दौरान राजेश मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है तो कितना मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है? जी अभी पब्लिक ऊपर है सब पब्लिक खुश है तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग खुश हैं? पब्लिक तो आप लोग भी हैं। तो हम लोग भी हैं तो आम जनता सभी खुश हैं तो हम लोग तो खुश हैं। और कमलेश्वर पटेल सिहावल से विधायक हुआ करते थे पिछली बार इस बार चुनाव हार गए वहां से बीजेपी के विश्वामित्र पाठक ने चुनाव जीता। अब लोकसभा सीट में कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर यहां बनाया हुआ है तो उनकी दावेदारी कैसी है कितने मजबूत कैंडिडेट दिखाई देते हैं? अभी तो ये हम नहीं कह सकते किसी को कोई भी कैंडिडेट को। अब जैसे पब्लिक ऊपर है पब्लिक किसको बनाती है पब्लिक खुश है जिसके ऊपर तो बढ़ते रहेंगे यही है सब पब्लिक के ऊपर है। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा है। और पिछले शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस बार मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान का बेहतर मुख्यमंत्री काल था कि मोहन यादव? शिवराज सिंह का। और जैसे कई सारी योजनाएं चलाई गईं प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान समय में चलाई गई मोदी सरकार के द्वारा और भी कई सारी योजनाएं यहां पर चलाई गईं उनका जनता तक कितना लाभ मिलता है? बहुत है बहुत बहुत ज़्यादा मिला है। आपके ग्राम पंचायत में लगभग कितने लोगों को मिल चुका होगा? बस उसमें तो 80% मान लीजिए मिल गया है 80% में 20% अभी बाकी हैं लोग।
आइए और कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। आप लाडली बहना है या वृद्धा पेंशन पाती? वृद्धा। तो पेंशन जो है तो समय समय पर आ जाया करती है? आ जाती पे 600 से। तो 600 ही आ रही है? हाँ हाँ। अब कहते 2000 दे। जी हाँ, 2000 दे तो हम उन्हें जिताऊ। और अगर नहीं देंगे तो फिर ताओ जिताऊ, ताओ जिताऊ ना दे ही ताओ। तो अगर देंगे चाहे नहीं देंगे, दोनों कंडीशन में जीतना तो उन्हीं को है, तो फिर क्यों देंगे वो? तब क्या करब भाई, वो तक नहीं था मालिक आही, मोदी सरकार मालिक आही तो नहीं करना दे। और यहाँ से कैंडिडेट कौन है लोकसभा के, जानते हैं किसको चुनाव लड़ाए हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार राजेश मिश्रा का सुना। अभी मिली है राजेश मिश्रा जी? यहाँ नब नहीं आए लाला। हाँ कांग्रेस के कमलेश्वर सिंह, कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर अब के नहीं आई है, अब नहीं आई। तो इस बार किसकी मजबूत दावेदारी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस है करना देव, हम नहीं कर दे बीजेपी का। हाँ चलिए ठीक, 2000। हाँ 2000। 600 रुपए में जीवन है अपन बहुत नहीं पूछता है लाला। 2000 वृद्धा पेंशन होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे जानना चाहेंगे, आप लाडली बहना है तो शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी वो महिलाओं के लिए कितनी कारगर है, कितना फायदेमंद है? फायदेमंद तो बहुत है, तो पर मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है। जैसे बीच में सुनने में आया कि बहुत सारे लोग का लाडली बहना से नाम काट दिया गया, आप लोग को भी ऐसा सुनने में आया? हम लोगों का नहीं कटा है। कितने रुपए मिल रहे हैं? 1250 रुपए। हाँ 1250। यहाँ से पिछली जो रीति सांसद थी इस बार विधायक बन गई है, तो रीति पाठक का कार्यकाल कामकाज यहाँ पे कैसा रहा? तभी तो ऋतिक पाठक के तो कुछ भवे नहीं भाई, 10 साल सांसद भी रही, तो सांसदी काल में भी कभी यहाँ पर गांव में आई? नहीं कभी नहीं आई। एक भी बार कब आई थी? जब वोट के समय पर आई है। हाँ उनके हाँ आई थी वोट मांगने के लिए। हाँ अब वोट देने के बाद फिर कभी लौटी? नहीं कभी नहीं लौटी। कभी भी आप लोगों ने जब से चुनाव जीत गई उसके बाद फिर कभी नहीं देखी? यहाँ नहीं देखी है, यहाँ नहीं देखी। अब सीधी के अंदर आई हूँ, कितनी नहीं जानती। सीधी में होती हैं, सीधी में रहती हैं, सीधी में आएंगी, लेकिन गांवों में नहीं आई अभी तक। राजेश नहीं आया कब मेर के है हो गला अब का कही हुआ तो पाई थी जो पौती है तब ना हम पाए थे निराशी। 600 रुपया बेटा वाह हो गया, हम तो 1250 से पाते हैं। हाँ मोदी हमको जी आए हैं गल्ला हम पचे पाए थे, अब कुछ हम पचन के बढ़ाई ले अब करी तो बाले की जिताई हराई। हाँ? किसको जिताएंगे इस बार? जैसे सब जिताए तो हम पचे जीता हो गए। हाँ तो अपने मन से वोट नहीं देंगे, दूसरे के कहने से देंगे? देव अपने से देव, सबको कहा के दूसरे कहे से देव, मने वोट है। हाँ। जैसे सब जने जनता जात देखा देव तो सबको इकट्ठा न देव। हाँ। दे थे तो मोदी सरकार से खुश है? हाँ खुश है, खुश है लाला। शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहनों के भैया जी थे उनको तो इस बार किनारे कर दिया मुख्यमंत्री की ओर से, मोहन यादव अच्छे हैं। अब क्या कही, महिलाएं सब दुखी नहीं, मामा जी चले गए ना। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव के बाद क्या लगता है कि उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा? अब पता नहीं फिर से बनाया जाएगा, बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को जो आप नहीं अच्छा आपको नहीं मिलता है? अच्छा उज्ज्वला गैस के उसमें मिलता है उज्ज्वला का? नहीं हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन सरकार तो कहती है कि उनकी जो बहनें हैं पूरे देश में माताएं बहनें सबको धुएं से मुक्त कर दिया गया है। अभी पीछे हम जो है तो उपले लेते हुए जाते देख रहे हैं, तो यहाँ उज्ज्वला गैस मिली है सबको? नहीं हम लोगों को नहीं मिली है, जैसे हमारे नाम है तो नहीं मिली है हमको। नाम है फिर भी नहीं मिली? मतलब कनेक्शन हमारे नाम है तो नहीं मिली। तो पूछे नहीं वहाँ एजेंसी में जा कर के क्यों नहीं? एजेंसी में जाके फार्म वार्म सब भरे मगर तब नहीं आई। और जैसे गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का मिलता था, अब 850 रुपए मिल रहा है, 823 के करीब इस टाइम पे मिल रहा है, तो भराना आसान है कि महंगाई तो बढ़ रही है? भराना आसान है अब, आसान है
हो गया हम पसंद मिला है गैस हमका हमका हाँ हमका पहले गैस भराती हैं हाँ हर बार हाँ तो भराई थे मना ही पे हो जब माले के कबो चूल्हा जलाई थे माली पे पैसा बहुत एकव नहीं लौटत गैस के सब्सिडी तो कहती है सरकार की सब्सिडी आती है आए नहीं लौटे हम आए का कहे नहीं लौटा हाँ हाँ नहीं लौटा पैसा हाँ पहले भरा तो नहीं लौटा आज जो चालू हो करे हुई तब लौटी बेटा बा पहले नहीं मिला रहा है नहीं पहले भी आता था ना सब्सिडी सब्सिडी आप लोग कभी नहीं आवा रहा है पहले चालू ही तब अब नहीं आवा है पहले आती थी बीच में फिर बंद हो गई है नहीं आवाता है हाँ सरकार से क्या कहेंगी जो सरकार इस बार आएगी सरकार से क्या कहने वाली कहा कहने वाले की है कि सरकार जो चलाई तो चलाई सब जनता चलाई ही तो हम पचे चलाओ सरकार हम पचे छह सौ से बढ़ा दे हाँ हम कहते हैं तो छह सौ दे था हो पेंशन बढ़ जानी चाहिए है ना हाँ हो बिजली बिल बिजली 24 घंटे आ रही कि नहीं आ रही है हाँ बिजली आ रही थी 24 घंटे रहती है बीच में चली जा थी 24 घंटा नहीं रहती हम हाँ 24 घंटे बिजली यहाँ पे नहीं आती 24 घंटा नहीं रहती है मतलब रहती है के पास जो सोलर पावर प्लांट बना है वहाँ से बिजली बनाई जाती है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नौकरी चाकरी भी यहाँ के लोगों को मिलती है उसमें नहीं नहीं मिलती है उसमें नहीं मिलती है और यहाँ सीधी की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधी में एक हिस्सा सिगरौली भी आता है सिगरौली में बिजली का उत्पादन होता है कोयले के माध्यम से वहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कमाने के लिए अक्सर गुजरात महाराष्ट्र ऐसी जगहों पर चले जाते हैं तो यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए क्या किस चीज़ का कारखाना लगाया जा सकता है जिससे यहाँ के लोग जो है तो यहीं पर नौकरी पा सकें ऐसा क्या अवसर दिखाई देता है कुछ नौकरी कहाँ पे दे सकते हैं सीधी में नहीं मिलती सीधी में नहीं मिला बाहर मिलाती जब नेता जी लोग आते होंगे तब तो कहते होंगे कि हम यहाँ कारखाना लगाएंगे फैक्ट्री लगाएंगे सुन ले पर हम लोगों को पता ही नहीं था कहा जाने आवा था तो मनी के जाता ही नहीं आई हाँ बड़े बड़े लोग खिले था तब छोट आदमी का जा नौकरी पामा हाँ छोटकन बड़कन बड़कन मालिक की गिर था छोटका अपन बिनती नहीं सुना भाई पौते अपन से बताई तब तो ये थे कुछ लोग जो सीधी लोकसभा सीट से हैं और जिनसे हमने लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है ये आपको पसंद आएगी बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ नमस्कार धन्यवाद